भारत आज दुनिया के हर सेक्टर में छलांग लगा रहा, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो या मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। इसका श्रेय भारत की उन प्राइवेट कंपनियों को भी जाता है जो लगातार रक्षा के क्षेत्र में भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब से भारत सरकार की ओर से इन कंपनियों को उन्नत हथियारों से लेकर दूसरी चीजों को बनाने की इजाजत मिली है, तब से इन कंपनियों ने बेहद कम समय में उन्नत तकनीकों को विकसित किया और भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। इन्हीं प्राइवेट कंपनियों में से एक है गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज, जिसके हाथ लगी है सबसे बड़ी डील। बता दें, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर को लेकर ये डील हुई है। दरअसल खबर आ रही कि अडानी इंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एज ग्रुप के साथ करार पर दस्तखत किए। इस डील के तहत दोनों ग्रुप साथ मिलकर मिसाइल, हथियार, साइबर सिस्टम और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म पर कामकाज करेंगे। विस्तार से बताएं तो इसमें ईडीजीई और अडानी के मुख्य प्रोजेक्ट डोमेन में सहयोग का मूल्यांकन करना शामिल है, जिसमें मिसाइल और हथियार शामिल है। इसके जरिए ये विदेशी ग्रुप और अडानी डिफेंस के कोर प्रोजेक्ट जैसे मिसाइल, हथियार, कवर करने वाले एयरबोर्न एयर डिफेंस प्रोडक्ट, अनमैन्ड एरियल सिस्टम को कवर करने वाले प्लेटफॉर्म और सिस्टम पर साथ मिलकर काम किया जाएगा। डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में हुई इस महत्वपूर्ण डील की जानकारी अडानी एंटरप्राइजेस ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एज ग्रुप के साथ ये समझौता किया। तो एज ग्रुप क्या है, कंपनी क्या करती है, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। एज ग्रुप यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस ग्रुप है। इस ग्रुप में 25 कंपनियां हैं। ये ग्रुप मिलिट्री सिविल के लिए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी बनाता है। इतना ही नहीं, ये ग्रुप हथियार बनाने वाले दुनिया के टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। इसके साथ करार करने से हमारे डिफेंस सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा, साथ ही अडानी इंटरप्राइजेस में निवेशकों को फायदा होता भी दिखेगा। इस एग्रीमेंट के जरिए भारत और यूएई में आरएनडी सुविधाओं को लगाने की दिशा में काम होगा, साथ ही इसके जरिए दक्षिण एशियाई देशों और बढ़ते ग्लोबल मार्केट में अपनी मौजूदगी स्थापित की जा सकेगी। इसमें डिफेंस और एयरस्पेस सॉल्यूशंस से जुड़े प्रोडक्ट के डेवलपमेंट, निर्माण और मेंटेनेंस पर काम किया जा सकेगा। अडानी डिफेंस एंड एयरस्पेस के सीईओ आशीष ने कहा कि सहयोग रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो तकनीकी कौशल को आगे बढ़ाने और भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा। खैर, कुछ भी हो, इस डील के बाद भारत डिफेंस सेक्टर में और ऊंचाई छू लेगा। और अब क्या मान लिया जाए कि आज भारत जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा, उसे चीन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश हैरान हो चुके हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।